डार्क एनीमे, इसे देखकर तुम सच में पागल हो जाओगे। और ये एनीमे इतने चीप हैं, ये तुमने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, अगर तुम्हें एक्रोफोबिया है तो ये वीडियो मत देखना। सेवन एनिमेस विच आर टू डार्क टू वॉच। परफेक्ट ब्लू, ये एनिमे मूवी 1997 में रिलीज हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। और इस मूवी को मेरे फेवरेट डायरेक्टर सातोशी कोन ने बनाया है। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल तरीके से शुरू होती है, फिर बाद में ये अपना असली रंग दिखाती है। मूवी में एक लड़की होती है मीसा नाम की, जो एक सिंगर होती है, और उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। मैं तुम्हें इसका एक भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस ये मूवी तुम ज़रूर देखना। गॉब्लिन स्लेयर, इस एनिमे में कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ों की तरह बिहेव करते हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, और इन बच्चों के साथ बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि इनका रेप और मर्डर भी होता है। अगर तुम्हें लगता है कि अटैक ऑन टाइटन में ज़्यादा ब्रूटल सीन है, तो तुम्हें इस एनिमे में अटैक ऑन टाइटन से भी ज़्यादा ब्रूटल सीन मिलेंगे। तुम्हें ये एनिमे एक बार ज़रूर देखना चाहिए। टॉमी, तुम्हें जुनजी इतो कलेक्शन के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूँ। जुनजी इतो एक मांगा आर्टिस्ट हैं, जिसने काफ़ी डार्क और हॉरर मांगा लिखी हैं, उनमें से एक है टॉमी। इसकी स्टोरी एक लड़की के ऊपर है जिसका नाम ही है टॉमी। टॉमी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लेकिन एक एरोगेंट लड़की है। पहले तो तुम्हें लगेगा ये एनिमे काफ़ी सिंपल है, लेकिन जब टॉमी की मौत होती है तब इसकी असली कहानी शुरू होती है। ये अपने हर चैप्टर में वापस ज़िंदा हो जाती है और हर बार पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, और लड़कों को अपनी खूबसूरती से मैनिपुलेट करती है, और उन लड़कों का इतना दिमाग ख़राब कर देती है कि वो उसका अपने हाथों से मर्डर कर देते हैं। जितने ही चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं, उसकी मौत और भी बुरी तरीके से होने लगती है। और इस एनिमे के दो स्पेशल एपिसोड भी रिलीज़ किए गए हैं। मॉन्स्टर, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज, जिसके सिर्फ 74 एपिसोड हैं। इसमें मेन कैरेक्टर डॉक्टर टेनमा एक बच्चे को मरने से बचाते हैं, पर वो बच्चा बच्चा नहीं है, वो है एक मॉन्स्टर जिसका एक्सपीरियंस एक 60 साल के आदमी से भी ज़्यादा है, और ये बच्चा दुनिया को अलग ही नज़रिए से देखता है। जिस डॉक्टर ने इस बच्चे को ज़िंदगी दी थी, अब वही डॉक्टर इस बच्चे को मारना चाहता है, क्योंकि ये बच्चा एक मॉन्स्टर है जिसे इंसानों को मारने में काफ़ी मज़ा आता है। उसके लिए इंसानों की ज़िंदगी चींटियों की ज़िंदगी बराबर भी नहीं है, इसी वजह से इस सीरीज़ को मॉन्स्टर कहते हैं। ये सब अजीब चीज़ें मैंने तुम लोगों के लिए ही देखी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ट्राई कर देना। और हाँ, वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर भेजना जो लोग कहते हैं एनिमे से बच्चों के लिए, इसको देखने के बाद उनका भी नज़रिया बदल जाएगा। मिडोरी, ये एनिमे 1992 में रिलीज़ हुआ था, और ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और कई कंट्रीज में बैन भी है। मैं तो यही कहूँगा, ये एनिमे तुम मत देखना। इस एनिमे के सीन इतने ज़्यादा घिनौने हैं, जिसे देखकर तुम्हें उल्टी तक आ जाएगी। इस एनिमे के सामने क्रीपी वर्ड भी काफ़ी छोटा है। अगर तुमसे ये एनिमे नहीं देखी जा रही है तो मत देखना, ज़्यादा बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है। डेथ नोट, अगर मेरी वीडियो हो और उसमें डेथ नोट की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जिसे एक नोटबुक मिलती है जिसमें किसी का भी नाम लिखो वो इंसान मर जाता है, और इस पावर से वो लड़का इंसानों की भलाई करना चाहता है, लेकिन डेथ नोट की पावर उसके पर इतनी हावी जाती हैं कि ये खुद एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन जाता है। इसे रोकने के लिए एक और शख्स आता है, और इन लोगों की दिमाग की लड़ाई देखने में काफ़ी मज़ा आता है। इसके हर एक एपिसोड में सस्पेंस बढ़ता चला जाता है, तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ये एनिमे ज़रूर देखना चाहिए। और हमारी लिस्ट का लास्ट एनिमे बर्सर्क, तुमने इस एनिमे का नाम ज़रूर सुना होगा, और इसको खिताब मिला है द ग्रेटेस्ट डार्क मांगा ऑफ ऑल टाइम का। जब तुम इसे देखोगे तुम्हें लगेगा ये तो सिर्फ एक सिंपल एनिमे है, इसमें सिर्फ सोल्जर्स और कुछ घोड़े हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा इसमें कुछ भी सिंपल नहीं है, और इसका प्लॉट और म्यूज़िक का इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन है कि तुम्हें खुद ही डार्कनेस फील होने लगेगी, और यहाँ तक तुम्हारे रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। इसका एक एक सीन इतना ज़्यादा डार्क है कि तो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो हमारी लिस्ट यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।